वेलकम बैक व्यूअर्स, आई लव माइक कबूतर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। व्यूअर्स, कैसे वो मेरी एक कबूतरी है, वो आप देख रहे हो सुस्त है, उसको ठंड लग गई है उधर वाले पर। जो ये मेरा शेर पंजाब है, इसके बगल में एक कबूतरी देख लोगे आप, जिससे मैं जोड़ा लगा रहा था, वो इस समय थोड़ी सी सुस्त पड़ रही है, उसको लग गया है ठंडा। ठीक है, जबकि मैं इनको हफ्ते में 2-3 दिन अजवाइन का पानी गर्म करके और उनमें काली मिर्च और लवंग डाल के मैं इनको पिलाता हूँ, थोड़ी सी दालचीनी, मतलब जो गर्म पदार्थ होते हैं, उसके बाद भी इनको ठंड लग गई है, क्योंकि इधर बहुत काफ़ी ठंड पड़ रही है व्यूअर्स। तो उसके लिए जो है, अब जैसे आप इतना केयर करते हो, जब भी आप इनको दीजिए तो गर्म पानी करके दीजिए, गुनगुना गर्म पानी करके इनको दीजिए, ठंडा पानी पीने को मत दीजिए। उसके बाद भी यदि मान लीजिए आपका कबूतर बीमार पड़ जाता है, तो उसके लिए भी है, उसके लिए आपको ये चीज़ याद रखनी है। इधर देखिए, एक लवंग ले लीजिएगा, 2 काली मिर्च, 1 लवंग 2 काली मिर्च, इसको अपने मुंह से जो है पूछ दीजिएगा। ठीक है, ठीक है, पूछ के उसके मुंह में उसको खिला दीजिएगा। ऐसा 1-2 बार आप करेंगे, मतलब एक दिन में एक बार खिला दीजिए, अगले दिन इसको आपको खुद ही पता चल जाएगा, अगले दिन भी, मतलब 2 बार खिला दीजिएगा ये। ठीक है, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोग को यही बताऊंगा कि यदि आपके कबूतर को ठंडा लग जाता है, यदि आप इतना केयर करते हो, उसके बावजूद भी यदि आप लोग को ठंडा आपके कबूतरों को लग जाता है, ठीक है, जैसे उसको लगी हुई है, फूल के बैठ रही है, देखिए सब कबूतर एक्टिव हैं, ये देखिए ये भी है, ठीक है, ये अपने बच्चे से रही है, ठीक है, लेकिन वो कबूतरी हल्की सी फूली है। आप जब कबूतर अब रखोगे तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाता है कि कौन सी आपकी कबूतरी बीमार है। तो यदि आप जो है अपने कबूतर, मतलब यदि आप एक तो अपने कबूतर को ढक के रखो, जैसे कि मैं ऑलरेडी ढक के रखता हूँ, ठीक है, इससे मैं इस तिरपाल से मैं ढक देता हूँ, ठीक है। उसके बाद भी मतलब ऐसा होता है कि आप कितना भी परवाह कर लो, कहते हैं ना जो होना रहता है वो हो जाता है। इनकेस यदि आप के कबूतरों को ठंड लग जाती है, वो ऐसे फूल के बैठ रहा है, तो आप उसको ऐसे छोड़िएगा मत, नोटिस कीजिए। नोटिस करने के बाद ये जो मैं आपको बताया हूँ, लवंग एंड काली मिर्च, ये लवंग 1 लवंग 2 काली मिर्च को कूट लीजिए, नहीं तो हल्के से अपने मुंह में ऐसे इसको चबा लीजिए, चबा के जो है उसको आप खिला दीजिए, ठीक है व्यूअर्स। और ये ऐसा 2 दिन आपको करना है, आज खिला दीजिए, कल खिला दीजिए, फिर ये ओके हो जाएगा, ठीक है। तो मैं थोड़ा वीडियो पॉज करता हूँ, उसके बाद कंटिन्यू करूँगा। देखिए व्यूअर्स, पकड़ लिया और ऐसे लवंग काली मिर्च को अपने मुंह से चबा लिया, ठीक है, चबाने के बाद इसको ऐसे पकड़ा, पकड़ने के बाद इसके मुंह में ऐसे डाल दिया, ठीक है, अच्छे से डालिएगा, यदि नहीं जाता है तो फिर पकड़िएगा, इससे इतने में ही इसको रिलैक्स मिल जाएगा, इसको डाल के डाल के अपने खिला दिया, अब इससे इसको रिलैक्स मिल जाएगा। 2 दिन आप कर दीजिएगा, आपके कबूतर फिट फॉर हो जाएंगे, ठीक है। और बाकी थोड़ा ये HD क्लियर में आ रहा होगा मेरा वीडियो, क्योंकि मैंने एक नया मोबाइल लिया है, रियलमी का नजारो है 20। तो कैसा लगा मेरे HD वीडियो का, कबूतरों का एंजॉय कीजिए और जरूर बताइएगा कैसा लगा। मैंने इसको खरीदा है, फ्लिपकार्ट पर सेल भी चल रहा था और बहुत अच्छा मोबाइल है ये, इसके कैमरे भी बहुत अच्छे हैं, 48 मेगापिक्सल+ कैमरा है इसका। तो ये HD वीडियो बनाता है, तो आप ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा मेरा ये HD वीडियो, ठीक है, ठीक है बस, ताकि आप लोग को बहुत अच्छे से मैं शौक करूँ, आप इंजॉय करूँ, इसलिए मैं आप लोग के लिए लाया हूँ, ठीक है, मतलब आप लोग की इन द सेंस की मेरे को भी बेनिफिट है, मैं भी अच्छी अच्छी फोटो खींचूंगा और आप लोग भी मेरे कबूतरों का शौक करोगे, ठीक है बस। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे टिप्स के साथ। और बाकी एक और दिखा देता हूँ मैं, वो अंडा से रही है, ठीक है, ये अपना बाजीगर है, वो बाजीगर का बच्चा है, ठीक है, ये अपना शेर पंजाब बाजीगर,
पहले ना पहले मेरी इससे बहुत मोहब्बत थी, अब इतने कबूतर हो गए हैं ना, ये मेरे को भूल गया है ये। अब बहुत मस्ती करता है अब। देख रहे अब चिड़ा रहा है। ठीक है, ये बाजीगर है, ये इसकी इसकी मैडम जी हैं। ठीक है, इसके बच्चे, इस वाले का ये बच्चे, लाल घगरा बच्चा हुआ है, एक वाइट मकोया हुआ है, एक लाल घगरा हुआ है। ठीक है, और ये अभी बच्चा नहीं है, आजकल भी दी है छोटा सा। ये मेरे उड़ने वाले हैं। ठीक है, और इनको मैं थोड़ा कलर कर रहा था, थोड़ा ज़्यादा कलर हो गया, कोई बात नहीं, जब फिट करी, जब पानी से जब नहाएंगे तो सही हो जाएंगे। कलर इसलिए मैं कर देता हूँ ताकि मेरे को पता चले कि व्यूअर्स मेरा कौन सा कबूतर है। ठीक है, और बाकी इसके बारे में आपको पता ही है। ठीक है, और उसके बारे में आपको पता है, अभी अभी मैंने उसको लवंग काली मिर्च खिलाई। ठीक है, तो एक लवंग दो काली मिर्च अपने मुँह से कूच के उसको खिला दीजिएगा ऐसे। ठीक है व्यूअर्स, ओके बाय। अपनी अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, अपने कबूतरों का ख्याल रखिए। मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में कुछ यूनिक टिप्स के साथ। यदि मैं समअप करना चाहूँ तो इस वीडियो के माध्यम से मैं ये आप लोग को बताया, यदि आपको कबूतर को ठंड लग जाती है तो कैसे आप अपने कबूतरों को ठंड से बाहर निकालोगे, और ये ठंड बहुत खतरनाक है, आप देख ही रहे हो उसकी क्या हालत है। ठीक है, एक्टिव कबूतर कैसे होते हैं उनको आप देखोगे तो ऑटोमेटिक उनके शक्ल ही बता देता है कि आई एम एक्टिव कबूतर, मैं स्वस्थ कबूतर। जहाँ भी आपको डाउट हो कबूतर आपका फूल के बैठे, जो मैंने आपको ट्रिक बताया वो यूज कर दीजिए। ठीक है, और अपने कबूतर को जब भी पानी दीजिए गुनगुना पानी दीजिए, और हफ्ते में दो तीन दिन जो है आप अजवाइन का पानी, एक चुटकी एक चम्मच अजवाइन ले लीजिएगा, दो गिलास वाटर में वाटर ले लीजिएगा, उसमें दो तीन काली मिर्च, दो तीन लवंग, थोड़ी तेजपत्ता डाल सकते हैं, दालचीनी ऑप्शनल है ये भी डाल सकते हैं, इनको उबाल दीजिए, उबालने के बाद इनको छान के पिला दीजिए, उसे गर्म पानी में मिक्स करके हल्का गुनगुना करके, फिर आपके कबूतर फिट फॉट रहेंगे। उसके बाद भी यदि प्रॉब्लम आती है तो काली मिर्च और लवंग याद रखिएगा। ठीक है व्यूअर्स, मैं थोड़ा सा लंबा इसलिए वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोग को शौक हो सके, थोड़ा एचडी वीडियो है और थोड़ा अच्छे से आप लोग शौक कर सको। डाटा कोई चक्कर नहीं है आप लोग के लिए, आपके आपका भाई डाटा कोई परवाह नहीं करता, इसलिए लंबी वीडियो बनाता है, और फुल एचडी का मजा लीजिए। ओके, बाय व्यूअर्स, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।